जिले के बैराड़ थाना क्षेत्र में एक किशोरी को युवक अपने साथ भगाकर ले गया था। बेटी के भाग जाने पर परेशान पिता खुदकुशी करने तहसील में बनी टंकी पर चढ़ गया। युवक के टंकी पर चढ़ जाने के कारण मौके पर भीड़ लग गई और मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उक्त व्यक्ति को नीचे उतारने के लिए प्रयास किया, लेकिन वह अपनी जान देने की बात कहता रहा। बड़ी मुश्किल से पुलिस की समझाइश के एक घंटे बाद युवक टंकी से नीचे उतरा। जानकारी के अनुसार प्राइवेट बस पर कंडक्टर की नौकरी करने वाले व्यक्ति की नाबालिग बेटी को 18 दिन पहले नहरगढ़ा का व्यक्ति ले गया है। इस मामले की शिकायत नाबालिग के पिता ने पुलिस थाना बैराड़ में की थी। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपी लड़के के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। टंकी पर चढ़े व्यक्ति का कहना है कि 2 महीने बाद उनकी बेटी वयस्क हो जाएगी और वह दोनों शादी कर लेंगे। पुलिस जानबूझकर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। इस बात से परेशान होकर वह पानी की टंकी पर चढ़ गया। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। मामला था, एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया, क्या मामला है सर जी? थाना बैराड़ में 8 दिसंबर को 363 का अपराध दर्ज हुआ था। इसमें फरियादी ने एक आरोप में व्यक्ति है उसे आरोप लगाया था कि वो उसकी लड़की को भगा ले गया। तब से लेकर लगातार पुलिस दस्तियाब करने का प्रयास कर रही है। जयपुर भी टीम भेजी थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। आज ये व्यक्ति पानी की टंकी पर चढ़ गया था, जिसको पुलिस ने आश्वासन दिया है कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र ही आरोपी को गिरफ्तार करेंगे और लड़के को दस्तियाब करेंगे। अभी व्यक्ति आ गया है नीचे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।